विधानसभा चुनाव को लेकर डेरा समर्थकों ने एक बार फिर एकजुट होकर रादौर में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया। विधानसभा चुनावों के बीच इस कार्यक्रम में डेरा समर्थकों की जुटी भीड़ पर स्थानीय गुप्तचर विभाग के साथ ही राजनीतिक दलों की अंदर खाते पैनी नजर रही। डेरा समर्थकों ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह उनका मासिक कार्यक्रम है जो कि जिले में अलग अलग जगह आयोजित किया जाता है। वहीं उन्होंने इस कार्यक्रम में राजनीतिक चर्चा पर बोलते हुए कहा कि डेरा श्रद्धालु एकजुट हैं और इसके बाद ही कुछ फैसला लिया जाएगा। हम ना हर बार एकता में वोट पाते हैं और सारी साथ संगत डेरे के साथ है और जो हमारा फैसला होगा उसके हिसाब से हम करें। वैसे कोई निर्णय ले रहे हैं? कोई निर्णय, अभी कोई निर्णय नहीं। वैसे निर्णय लिया जाएगा जब समय आएगा तब आपको बता देंगे। नाम चर्चा के अंदर 134 मानवता भलाई के कार्य हैं, उन्हीं के बारे में संदेश दिया जाता है, उन्हीं के बारे में सारा कुछ बताया जाता है। राम नाम का गुणगान होता है नाम चर्चा। ऐसा हमारा कोई ना कोई राजनीति का उद्देश्य है, ना कोई ऐसा हमारा कोई मकसद है, ना ही हम ऐसा कुछ मान लो भाई हमने कोई कर रखा हो ऐसा प्रोग्राम। नाम चर्चा का जो है मान लो जिला स्तर की जो नाम चर्चा है वो हर महीने हर जिले के अंदर रखी जाती है। आज भी कई डिस्ट्रिक्टों के अंदर है, पंचकूला के अंदर, सोनीपत के अंदर है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर भी नाम चर्चा लग रही है, सारी जगह नाम चर्चा ही लग रही है। जो डेरे की तरफ से राजनीतिक विंग जो बना हुआ है वो अभी तो है ही नहीं, 25 के बाद कोई राजनीतिक विंग कोई ऐसा सेवादार है ही नहीं। तो जैसे भी संगत की जो एकता होती है उसके हिसाब से संगत वोट देती है। कोई विचार विमर्श नहीं किसी का। तो संगत सारी डेरे के साथ है, जैसे होगा वैसे देखा जाएगा, समय जब आएगा देखा जाएगा।